जनरल इंट्रोडक्शन किसका? सोयाबीन का। देखो बॉटनिकल नेम सभी जानते हैं हम लोग, बड़ा कॉमन है, ग्लाइसिन मैक्स। सोयाबीन पर थोड़ा सा फोकस इसलिए करना है क्योंकि मध्य प्रदेश की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप है ये, ठीक है। बॉटनिकल नेम क्या है? ग्लाइसिन मैक्स, ठीक है। फैमिली हम सभी को पता है, लेग्यूमिनेसी। ऑरिजिन ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका ऑरिजिन है चाइना। ऑरिजिन क्या है? चाइना। ग्राउंडनट सॉरी अपना रेपसीड और मस्टर्ड का ऑरिजिन भी चाइना ही था। क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम नंबर है 2N=40, ठीक। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, ऑयल परसेंट कितना है और प्रोटीन परसेंट कितना है। आपको पता है सोयाबीन कैसी क्रॉप है? सोयाबीन इज द ऑयल सीड क्रॉप। सोयाबीन क्या है? एक ऑयल सीड क्रॉप है। हालांकि इसके अंदर ऑयल सिर्फ 20% ही होता है जबकि प्रोटीन 40% होता है, लेकिन फिर भी इसको हम ऑयल सीड की तरह यूज़ करते हैं। मतलब प्रोटीन की तरह भी तो यूज़ कर सकते हैं, इसको दाल बना के खाओ, क्यों नहीं खाते? दाल की तरह इसको इसलिए यूज़ नहीं करते क्योंकि इसमें एक बीनी टेस्ट आता है। बीनी टेस्ट का मतलब थोड़ी सी हीक टाइप की आती है, ज़्यादा खिलती नहीं है। बीनी टेस्ट इसमें आता है, वो बीनी टेस्ट का कारण क्या है? सल्फर कंपाउंड। इसके अंदर सल्फर कंपाउंड पाए जाते हैं और एक एंजाइम पाया जाता है, बायपोक्सीडेज एंजाइम। उस एंजाइम की वजह से और ये सल्फर कंपाउंड की वजह से इसके अंदर बीनी टेस्ट आता है, इसलिए इसको दाल की तरह यूज़ नहीं करते। डू नॉट यूज़ एज दाल, ठीक है। इसकी कभी दाल नहीं बनती, आपने कभी खाई नहीं होगी सोयाबीन की दाल। हालांकि प्रोटीन कंटेंट इसके अंदर बहुत ज़्यादा है, फिर भी कॉमन नेम की अगर हम बात करें तो इसको येलो ज्वेल भी कहते हैं, पीला सोना। येलो ज्वेल सॉरी, मतलब इसको हम लोग जेवरात, पीले जेवरात, और इसको हम लोग येलो गोल्ड ऑफ अमेरिका भी कहते हैं। येलो गोल्ड ऑफ अमेरिका भी इसको कहा जाता है, ठीक है। इसको वंडर क्रॉप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? वंडर क्रॉप, ठीक है। मैक्सिमम एरिया और प्रोडक्शन की बात करें तो वैसे तो अपना यूएसए नंबर वन है, लेकिन हम लोग बात करेंगे इंडिया की, तो इंडिया के अंदर मध्य प्रदेश जो है वो फर्स्ट है, नंबर वन पर है एरिया में और प्रोडक्शन के दोनों में। मध्य प्रदेश में आपका जिला है इंदौर, जहां पर आपका NRCS है, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर दी सोयाबीन, ठीक है। सोयाबीन एक सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, सोयाबीन एक सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, ठीक है। सोयाबीन एक C3 प्लांट है, ठीक। सोयाबीन की अगर हम बात करें तो ये आपका खरीफ क्रॉप में होती है, इसका मतलब ये शॉर्ट डे प्लांट है। सोयाबीन एक शॉर्ट डे प्लांट भी है और कोई, हाँ, सोयाबीन के अंदर एक एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर पाया जाता है। एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि सोयाबीन के अंदर एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर कौन सा होता है, तो वो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर होता है ट्रिप्सिन इनहिबिटर। ये आप लोग याद रखें ना, इनहिबिटर, ट्रिप्सिन इनहिबिटर, ये एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर है, ये इंसानों के लिए अच्छा नहीं होता। फ्रूट पर क्वेश्चन पूछ लेते हैं, सोयाबीन के अंदर फ्रूट क्या होता है? पॉड होता है, ठीक है। इनफ्लोरोसेंस पर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये जनरल इंट्रोडक्शन ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई भी चाहे क्रॉप हो। पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस से तो बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं, प्लांट पॉपुलेशन पर क्वेश्चन आएंगे, सीड रेट पर क्वेश्चन आएंगे, बस, ठीक है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जनरल इंट्रोडक्शन से आते हैं सभी क्रॉप पर, इसलिए ये पार्ट आप पर आपको ज्यादा फोकस करना है। इनफ्लोरोसेंस होती है यहां पर रेसिन, इनफ्लोरोसेंस कौन सी होती है यहां पर? रेसिन, ठीक। ये तो हो गया इसका क्या, जनरल इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। अब आ जाओ इसके पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस पर, कुछ भी नहीं है, बड़ा सिंपल सा है। देखो लैंड प्रिपरेशन में कुछ भी आपको याद नहीं करना, ना ही कुछ पढ़ना है। सॉइल पर आ जाओ, सॉइल इसकी इंपॉर्टेंट है। सोयाबीन के लिए कैसी सॉइल चाहिए? यहां पर चाहिए क्ले सॉइल, ठीक है, या फिर कहो ब्लैक कॉटन सॉइल। अपने मालवा रीजन में जो डेक्कन एरिया है, जो पूरा महाराष्ट्र मालवा का जो एरिया है, वहां पर पूरा ब्लैक कलर का ही सॉइल पाना जाता है, और उस पूरे ब्लैक कलर के सॉइल में सोयाबीन बहुत अच्छे से कल्टीवेट होता है। इवन मैं तो कहूंगा पूरे मध्य प्रदेश में, इवन आप चंबल संभाग में चले जाओ तो वहां पर आपको सोयाबीन नाक के बराबर देखने को मिलेगा, लेकिन सबसे ज्यादा सोयाबीन आपको मिलेगा इस एरिया में, मालवा रीजन में। क्यों? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ब्लैक कॉटन सॉइल, क्योंकि ब्लैक सॉइल वहां पर पाया जाता है, सबसे अच्छी सॉइल मानी जाती है ब्लैक सॉइल सोयाबीन कल्टीवेशन के लिए। क्लाइमेट की अगर हम बात करते हैं तो हमें पता है सोयाबीन एक खरीफ क्रॉप है, इसको वार्म क्लाइमेट चाहिए, ठीक है। और देखो आ जाओ सीधे सीड रेट पर, कितनी सीड रेट चाहिए इसके लिए? 70 से 80 केजी पर हेक्टेयर। अगर आप लेट सोइंग करते हो तो 100 से 120 केजी पर हेक्टेयर इन लेट सोइंग। लेट सोइंग का मतलब, तो सोइंग टाइम भी देख लो फिर, अभी सोइंग टाइम क्या होना चाहिए? ऑन द ऑनसेट ऑफ मानसून, मानसून कह सकते हैं अपन, कह सकते हैं यहाँ पर जून के महीने में इसकी आपको बुआई कर देनी चाहिए, अप टू द सेकंड वीक ऑफ जून, ठीक है।
इसमें आपको बुआई कर देनी चाहिए ऑन दी ऑनसेट। जैसे आपका मानसून का मौसम स्टार्ट हो, बारिश होने, बारिश पहली बारिश आ जाए, आप इसकी बुआई कर दो, ठीक है। ज़्यादा लेट करोगे तो आपको 20 से 100 से लेकर 120 केजी पर हेक्टेयर तक रखनी पड़ेगी। स्पेसिंग की बात करें, स्पेसिंग का बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंस है, 45 सेंटीमीटर आपको यहाँ पर स्पेसिंग रखनी पड़ेगी, ध्यान रखना। वैसे किसान इतनी स्पेसिंग रखते नहीं है, लेकिन आपको रखनी पड़ेगी। साइंटिफिक मेथड यही है और यही आपको याद करना पड़ेगा, रो टू रो कितनी है, जो रो टू रो। सोइंग मेथड से भी क्वेश्चन आता है, साइंटिफिक मेथड जो है इसका सोइंग मेथड वो है रिजिड एंड फरो। वो कौन सा है? रिजिड एंड फरो मेथड, ये सबसे अच्छा मेथड माना जाता है। सीड ड्रिल के द्वारा इसकी सोइंग करो, रिजिड एंड फरो मेथड वाले तरीके से, ठीक है। सोइंग डेप्थ की बात करें, 4 से 5 सेंटीमीटर गहराई पर, ज़्यादातर क्रॉप की 4 से 5 सेंटीमीटर ही होती है। कुछ एक तो जैसे बाजरा की हमने बात की 2 से 3 सेंटीमीटर थी, हमने वहाँ पर अपनी चने की बात की थी एटलीस्ट 8 सेंटीमीटर वहाँ पर हमको रखनी थी। ये कुछ क्रॉप में थोड़ी सी अलग है, तो ऑलमोस्ट सभी में 4 से 5 सेंटीमीटर ही आपको मिल जाएगी, ठीक है। और क्या है इसमें देख लो, और बताओ भाई। हाँ, NPK, बड़ा सिंपल, 20, 50, 20 KG पर हेक्टेयर, ये तो रखना है आपको यहाँ पर NPK। इरिगेशन की बात करें तो सोयाबीन जो है वो पूरी तरह से एक रेन फेड क्रॉप है, बारिश पर आधारित क्रॉप है, इरिगेशन देने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वीड कंट्रोल की बात करें यहाँ पर, तो प्री इमरजेंस में और पोस्ट इमरजेंस में एक एक हर्बिसाइड के नाम याद कर लो। प्री इमरजेंस में पेंडीमिथिलिन याद करो और पोस्ट इमरजेंस में आप इमेजा थाइपर को याद कर लो, बस। क्वेश्चन कभी नहीं आते, बस नजर में रखो और कुछ नहीं है। हार्वेस्टिंग की बात क्या करना है, पूरी क्रॉप को हार्वेस्ट किया जाता है, थ्रेशर की मदद से कर लो या असिए की मदद से उसको काटते जाओ और फील्ड में ही 2 से 3 दिन तक उसको सुखाने के लिए छोड़ दो, फिर थ्रेशिंग कर दो और सीड बाहर निकाल लो। सीधे यील्ड पर चलते हैं, उपज कितनी होती है, 30 से 35 क्विंटल पर हेक्टेयर इसकी हो जाती है उपज, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि वैरायटी पर क्वेश्चन पूछ लेते हैं कुछ, USA इंपोर्टेड वैरायटीज पर कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। USA इंपोर्टेड वैरायटीज कौन कौन सी हैं, कुछ दो चार वैरायटी के नाम याद रखो, जैसे कि एक वैरायटी है ब्रैग, एक वैरायटी है ली, एक वैरायटी है कैंट, एक वैरायटी है क्लार्क, एक है आपकी लाइक ब्लैक हार्ट, ये क्या है आपकी यूएसए, यूएसए से इंपोर्ट वैरायटी है, यूएसए से आई थी। ये पूछ रहे थे अपने इंडिया के अंदर जो मोस्ट कॉमन वैरायटी है वो कौन सी है, वो आप याद रखो। एक है आपकी JS 9560, एक है आपकी JS 9752, एक है आपकी JS 9305। ये कुछ मोस्ट कॉमन वैरायटी है अपने इंडिया के अंदर, मोस्ट कॉमन वैरायटी। सबसे बेहतर कहूँगा कि मोर देन 50% कल्टीवेशन इन्हीं वैरायटी से कवर हो जाता है, ठीक है। मोस्ट कॉमन वैरायटी 9752, 9705, ठीक है, JS 335, मोस्ट कॉमन वैरायटीज है, NRC 07, बहुत ही ज़्यादा कॉमन वैरायटी आपकी, ठीक है। ये आप लोग बस नज़र में रखना, क्वेश्चन आज अलग तो नहीं पूछते, अब क्वेश्चन थोड़ा बस ये रख लेना, एक USA इंपोर्टेड वैरायटी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सीड रेट पर फोकस करना, यहाँ पर आप रेजिडेंट फरो पर फोकस करना और आपका ये स्पेसिंग पर फोकस करना, और जनरल इंट्रोडक्शन की तो जितनी भी क्रॉप है सभी के जनरल इंट्रोडक्शन पे तो आपको विशेष तौर से फोकस करना है। जैसे MP के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, इसलिए MP को फोर्ट ऑफ सोयाबीन भी कहते हैं। फोर्ट ऑफ सोयाबीन किसको कहा जाता है, MP को। सोयाबीन का किला किसे कहा जाता है, MP को, ठीक है। ये अपना सोयाबीन कंप्लीट हो गया।